हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनवी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बिग बॉस 13 के घर के अंदर हमें दो चीजें रोजाना देखने को मिलती है, एक तो पंजाब की कटरीना शहनाज की नौटंकी और दूसरी पारस सिद्धार्थ के बीच की दुश्मनी। ये तो हर कोई जानता ही है कि जब से सलमान खान के इस कॉन्ट्रोवर्शियल शो की शुरुआत हुई है, तभी से सिद्धार्थ और पारस आए दिन एक दूसरे से भिड़ते ही नजर आते हैं। टास्क हो या फिर नॉमिनेशन, दोनों एक दूसरे के साथ पंगा लेने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। लेकिन अब सवाल उठता ये है कि आखिर क्यों दोनों के बीच बिग बॉस के घर में दुश्मनी देखने को मिलती है, आखिर क्यों दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते। वहीं अब इन सभी सवालों का जवाब मिल चुका है। जी हाँ, हाल ही में पारस छाबड़ा की गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी ने इस बात का खुलासा कर दिया है। दरअसल हाल ही में आकांक्षा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि सिद्धार्थ से पारस को पर्सनल खुंदक है, जो अब निकल कर आ रही है। बात ऐसी थी कि आकांक्षा और सिद्धार्थ शुक्ला के लिंकअप की खबरें फैली थी, जिससे पारस अपसेट हो गए थे। ये तब की बात है जब पारस और आकांक्षा कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग हो गए थे। तब आकांक्षा और सिद्धार्थ की गहरी दोस्ती हो गई थी और ये बात पारस को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आई थी। आकांक्षा ने बताया कि सिद्धार्थ उनके सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, अब वो मिलते नहीं हैं, लेकिन दोस्ती कायम है। तो देखा आपने, पारस की गर्लफ्रेंड आकांक्षा ने फाइनली इस बात का खुलासा कर ही दिया कि घर के अंदर क्यों पारस बात बात पर मिस्टर शुक्ला को टारगेट करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, सिद्धार्थ शुक्ला और पारस में से घर में कौन सबसे ज्यादा अच्छा गेम खेल रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, हम आपके लिए रोज बिग बॉस का अड्डा भी लाते ही रहते हैं, इसलिए बिग बॉस की इनसाइड स्टोरी हाईलाइट्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।